देखो जैसे ये कुछ हमें क्वेश्चंस करने हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ए एक्स, एक्स बाहर है, अंडर रूट के अंदर नहीं है, एक्स एक्स रूट के बाहर है, हैज फंडामेंट एफ पी, एफ पी मतलब फंडामेंटल पीरियड इक्वल टू पाई, देन फाइंड ए, ए निकालना है, मतलब इस पूरे फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड पाई है तो बताना है ए क्या, क्या फंक्शन है, साइन अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ए इंटू एक्स। देखो ध्यान दो कैसे होगा क्वेश्चन, ये देखो पूरे का फंडामेंटल पीरियड पाई वो तभी होगा जब ये टर्म 2 हो जाए, क्योंकि साइन 2x जब होता है तो इसका पीरियड कितना होता है पाई, इसका मतलब ये टर्म 2 हो जाना चाहिए। देखो मतलब ये जो टर्म लिखा है अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर a, ये 2 हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर साइन 2x होता है, अगर साइन 2x होता है तभी उसका फंडामेंटल पीरियड पाई होता है, तो ये टर्म पूरा पूरा 2 हो जाना चाहिए, है ना, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर a बराबर क्या हो जाना चाहिए, 4, स्क्वायर कर दिया 2 हट गया, तो a क्या हो जाना चाहिए 4 से लेकर के 5 तक। ये मैंने बताया था आपको कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर i होता है तो x की वैल्यू क्या होती, बोलो i से लेकर के i प्लस 1 होती है, है ना, ये मैंने आपको सिखाया था पहले भी, तो वही रूल देखो हमने लगाया कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर a बराबर 4 तो a क्या होगा, बोलो 4 से 5, देखो वही अपने क्वेश्चन का आंसर है, है ना, यही देखो अपने क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान दो। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या, देखो ये वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था और ये मान लो थर्ड। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो ऐसे करके लिखा है f of x plus a minus greatest integer x plus b sin pi x and so on, इसका फंडामेंटल पीरियड चाहिए। देखो ध्यान दो, जैसे sin pi x है, इसका पीरियड क्या हो गया, बोलो 2 pi by pi मतलब 2, cos 2 pi x है तो 2 pi by 2 pi मतलब 1, ये देखो sin 3 pi x है तो 2 pi by 3 pi मतलब 2/3, देखो ऐसे हो गया। इसी प्रकार देखो ये टर्म जैसे हम 2 pi divide by 2n pi बराबर क्या हो गया 1/n, है ना, देखो इस तरीके से इन सब के पीरियड तो मालूम है, लेकिन देखो ये जो अपने पास टर्म है, ये वाला पहला वाला टर्म क्या, बोलो x plus a minus greatest integer x plus b, देखो ध्यान दो एक काम किया जाए, इसको फ्रैक्शनल पार्ट में बदला जाए, जब भी किस प्रकार से ध्यान देना x और ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग अलग दिया जाता है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट में बदल देते हैं। देखो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, ये होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ध्यान दो। देखो हम क्या करेंगे, इसमें b प्लस कर देंगे और b को माइनस कर देंगे, ध्यान दो b प्लस कर देंगे b माइनस कर देंगे, देखो इससे क्या हुआ, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देखो ये हो गया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, बोलो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस b, और प्लस a माइनस b अलग, देखो क्या किया इसमें b प्लस किया b माइनस किया, देखो a तो पहले से ही प्लस था, इसमें b प्लस किया b माइनस किया, इससे क्या फायदा हुआ, देखो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये क्या हो गया, बोलो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो मतलब इस पूरे टर्म को देखो हमने फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, और इस पूरे का देखो पीरियड क्या हो गया, बोलो 1 हो गया, 1 है ना, तो इस पूरे नंबर का देखो पीरियड 1 हो गया, तो इसका 1 इसका 2 इसका 1 इसका 2/3 एंड सो ऑन, देखो ये हमें मिले पीरियड, क्या-क्या देखो मिले पीरियड, पहले का पीरियड कितना मिला देखो 1, अगला टर्म देखो क्या है ये, इसका पीरियड क्या है बोलो 2, फिर अगले टर्म का पीरियड कितना है बोलो 1, फिर अगले टर्म का पीरियड कितना है 2/3 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या है देखो 1/n, तो अगर हम इन सब का एलसीएम निकालें, अगर हम इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो इन सब का देखो जो एलसीएम आएगा वही अपने बेसिक मेथड से निकालो, इसके मल्टीपल निकालो, इसके मल्टीपल निकालो, इसके मल्टीपल निकालो, इसके मल्टीपल निकालो, 3 4 5 शुरू के ले लो 5 टर्म, तो इन सब का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो देखो एलसीएम जो है वो 2 के बराबर आएगा, 2 के बराबर,
क्योंकि देखो 1 के मल्टीपल निकालोगे तो 1 2 3 4 आएंगे, 2 के मल्टीपल निकालोगे तो 2 4 6 एंड सो ऑन आएंगे, फिर 1 के निकालो फिर 2 by 3 के निकालो, ये लास्ट में 1 by n है, इनके मल्टीपल निकालो तो उन सभी मल्टीपल में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो 2 आएगा। इसलिए देखो इस फंक्शन के फंडामेंटल पीरियड का आंसर कितना है, 2 के बराबर है, ध्यान दो। और हाँ ध्यान देना, फंडामेंटल पीरियड 2 है, इससे छोटा नंबर जो होगा 1 वो इसका पीरियड नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं, 1 पर रिपीट नहीं करेगा। मतलब अगर हम f ऑफ x प्लस 1 बराबर fs करना चाहेंगे तो हमको ये चीज नहीं मिलेगी, ये चीज नहीं मिलेगी, इसका मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड 2 ही है, 1 नहीं है। ठीक है, तो इन सबका एलसीएम निकालेंगे तो इन सबका एलसीएम देखो 2 के बराबर आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो शुरू के 3-4 टर्म का निकाल लो, ज्यादा आगे मत जाओ, शुरू के 4 टर्म का ही अगर तुम एलसीएम निकाल लोगे ना तो वो 2 ही आ जाएगा अपने आप ही, आगे जरूरत नहीं जानने की है। शुरू के 4 टर्म का एलसीएम निकाल लिया वो 2 है, इसका मतलब इन सबका भी एलसीएम क्या रहेगा, बोलो 2 ही रहेगा, ध्यान दो, है ना। अगर शुरू के 4 टर्म का एलसीएम निकाला वो 2 आया तो बाकी सबका एलसीएम भी 2 ही आएगा, ध्यान देना। ठीक है, तो ये देखो पहला और दूसरा हमने क्वेश्चन किया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो यहां पर, इसको लिखो जरा सब बच्चे, पहले ध्यान से इसको लिखो सब बच्चे,